हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, यह है बीपीएससी टीआरई 2023 सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की रीट याचिका स्वीकार, अब इस दिन होगी सुनवाई। देखिएगा, न्यू दिल्ली बिहार में एक तरफ बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, सफल अभ्यर्थियों में खुशी देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और रीट याचिका दाखिल की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। याचिका को कोर्ट ने किया स्वीकार। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि रिजल्ट में शामिल करने वाली याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई। रिजल्ट पर स्टे लगाने वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। खेल के बीच में खेल का नियम बदलना सही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। याचिकाकर्ता और बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की रीट याचिका दायर की। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं था कि उन लोगों को प्रारंभिक में मौका नहीं दिया जाएगा। खेल के बीच में खेल का नियम बदलना सही नहीं है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीएड अभ्यर्थियों के साथ सरासर धोखा, ये इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने कहा है कि इस बहाली में बीएड योग्यताधारियों को मौका जरूर मिले। बीपीएससी ने रीट याचिका पेंडिंग होने के बावजूद बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया। बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का एक साथ रिजल्ट प्रकाशित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा ये बीएड अभ्यर्थियों के साथ सरासर धोखा है। अब 3 नवंबर को होगी सुनवाई। आपको बता दें कि इस याचिका पर 20 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश के बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन दुर्गा पूजा के अवकाश की वजह से सुनवाई 30 अक्टूबर को हुई और अब मामले की सुनवाई 3 नवंबर निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने इससे पहले कहा था कि बीएड अभ्यर्थियों को छांट कर प्रारंभिक के 72,000 रिजल्ट सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों के बीच में से दिए गए हैं। बीएड अभ्यर्थियों के बीच के साथ आयोग ने सौतेला व्यवहार किया है। सुप्रीम कोर्ट अगर बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो फिर रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो ये आज का अपडेट है दोस्तों। तो अगर आपको यह अपडेट अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।